फिर প্রশ্নের মুখে যোগীরাজ্য উত্তরপ্রদেশ অভিযোগ ডেঙ্গু আক্রান্ত এক রোগীকে প্লাজমার বদলে দেয়া হলো মুসাম্বির রস যার ফলে মৃত্যু হয়েছে ওই রোগীর চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজের অভিযোগ মুসাম্বির রস তার শরীরে প্রবেশ করানোর পরই দ্রুত অবস্থার অবনতি হয় ওই রোগীর শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হয় ওই সংকটজনক রোগীর ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত সিল করে দেওয়া হয়েছে উত্তরপ্রদেশের ওই বেসরকারি হাসপাতালটিকে জানা গিয়েছে 17ই অক্টোবর ওই বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন প্রদীপ পাণ্ডে নামে এক রোগী ডেঙ্গু আক্রান্ত হওয়ায় হাসপাতালের তরফে জানানো হয় 8 ইউনিট প্লাজমা লাগবে 3 ইউনিট প্লাজমার ব্যবস্থা হলেও বাকি 5 ইউনিটের জন্য শুরু হয় খোঁজ জানা গিয়েছে ওই হাসপাতালের তরফেই একটি ব্লাড ব্যাংক থেকে ব্যবস্থা করা হয় ওই 5 ইউনিট প্লাজমার সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে ভিডিওটি যেখানে দেখা যাচ্ছে মুসাম্বির রসভর্তি প্লাজমার প্যাকেট দেখাচ্ছেন মৃতের শ্যালক জানা গিয়েছে মুসাম্বির রস ওই রোগীর শরীরে ঢোকানোর পরই দ্রুত অবনতি হয় অবস্থার পরে রক্ত জমাট বেঁধে গিয়ে শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হয় তাঁর ঘটনায় দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন মৃতের শ্যালক जो प्रकरण आप लोग के समक्ष आ रहा है ये हमारे जीजाजी जो प्रदीप पांडे हैं उनको डेंगू हुआ था जो एक निजी अस्पताल ग्लोबल ट्रामा सेंटर करके है झलवा में वहाँ पे एडमिट कराया गया तो जहाँ पर उनको डेंगू बताया गया डेंगू के बाद उन्होंने 8 यूनिट प्लेटलेट की डिमांड की डिमांड करने के बाद हम लोगों ने 3 यूनिट तो खुद से व्यवस्था कर ली थी पर 5 यूनिट उन्होंने मुझे प्रोवाइड कराया जो प्रोवाइड कराने के बाद उन्होंने 25,000 रुपये मुझसे लिए और ऑनलाइन मुझसे ने हमारे जीजाजी के मोबाइल अकाउंट फ़ोन पे से लिया उन्होंने और लेने के बाद ये देखिए आप लोग कि मुझे मौसम्बी का जूस उन लोगों ने मुझे प्रोवाइड कराया और जिससे मैं हमारे जीजाजी की कल शाम को कल सुबह 6:40 पर उनकी डेथ हो गई क्या चाहते हैं मैं योगी सरकार से ये चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से ये चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इस चीज़ का व्यापार चल रहा है न जाने लाखों लोगों की जान जा रही है इस पे सरकार सख्त से सख्त एक्शन ले और जिस तरीके से हमारी आज बहन 26 साल की बहन जो विधवा हो गई चार महीने की बच्ची अनाथ हो गई मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि प्लीज़ इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें प्रयागराज में मैं मुकदमा भी लिखवाने जाता हूँ थाने गया था पर उन लोगों ने बोला कि मामला धूमनगंज का है तो आप लोग वहाँ जाइए तो इस तरीके से प्रशासन द्वारा नकारा जा रहा है और मैं चाह रहा हूँ ये बात को दबाने का पूरा प्रयास हो रहा है प्रशासन द्वारा इस पे जांच हो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से क्योंकि मुख्यमंत्री जी की योजना है सुरक्षा और स्वास्थ्य पे काम कर रही है तो इसलिए प्लीज़ आप लोगों से आग्रह भी है मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि मेरी बहन को न्याय दिलाने का काम करें এদিকে এই ঘটনা জানাজানি হতে রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায় প্রয়াগরাজে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক নানক সারণ জানান ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সিল করে দেওয়া হয়েছে হাসপাতাল তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত খুলবে না ওই হাসপাতাল আজ যে আমি সূচনা মিলি কাল শাম সে সূচনা চল রহি থি আজ সূচনা মিলি মানে বিধবত 3 সদস্যীয় টিম বনা করকে আজ গ্লোব হাসপাতাল কো যাঁচ করাযা আর যাঁচ কে দৌরান মানে পায়া কি আর দিন 3 মরিজ ভর্তি থে আর কুছ উসকে कर्मचारी मौजूद थे जांच में उस समय उनके डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे जो डॉक्टर इलाज करते हैं तो तत्काल प्रभाव से उनके जो प्रबंधक हैं उनको निर्देशित किया गया कि आप जो है मरीजों को किसी अलग अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाए और जो उन्होंने बयान दिया वो बयान सही नहीं लग रहा था जिसके कारण प्रथम दृष्टा में वो दोषी पाए गए हैं इस आधार पर उनका रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिया गया है तथा अस्पताल तत्कालीन प्रभाव से सील कर दिया गया है जब तक उस बचे हुए प्लेटलेट की जांच की रिपोर्ट फॉरेंसिक लैब से नहीं आएगी तब तक इसकी जांच प्रक्रिया पूरी नहीं होगी जांच आते हुए इनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी और जिसके परिवार का ये घटना है उसके परिवार ने FIR करने को कहा है वो तुरंत FIR करा करके और दोषियों के नाम पर अभी मुझे सूचना उपलब्ध करा देंगे आज ही अभी मेरी टीम जा रही है अस्पताल को सील कर देंगे অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ওই হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের
এ প্রসঙ্গে রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক টুইট করেন, আমরা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে বিষয়টি দেখার জন্য বলেছি, একটি তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে, রিপোর্টে কোনো রকম গোলমাল ধরা পড়লেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রয়াগরাজের আইজি রাকেশ সিং জানিয়েছেন, 3 সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কিছুদিন আগেও ভুয়া ব্লাড ব্যাংকের একটি চক্র ধরা পড়েছে, কারা প্লাজমার বদলে মুসাম্বির রস সরবরাহ করল সে বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। ব্যুরো রিপোর্ট, আজ তক বাংলা।